सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज होगा रेप का केस। तमिलनाडु में हेड मिस्ट्रेस ने तिरंगा फहराने से किया इनकार। कहा, मैं क्रिश्चियन हूं, तिरंगे को सलाम नहीं कर सकती। लाल बहादुर शास्त्री की मौत आज भी पहेली। बेटे अनिल की मांग, नेताजी की तरह शास्त्री जी की मौत से जुड़े फाइलें सार्वजनिक हो। डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे रोहिंग्या। हरदीप पुरी ने फ्लैट और सुरक्षा देने को कहा था, अब गृह मंत्रालय बोला ऐसा कोई आदेश नहीं। विवादों की परिभाषा तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूछा, मुफ्त शिक्षा, पानी, बिजली क्या चुनावी वादा है? आप राय दें, फैसला हम करेंगे। राजस्थान में दलित स्टूडेंट के घर पहुंचे भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुराणा पोषणा गांव में 700 जवान तैनात, दो जेसीबी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड तैनात। उद्धव ठाकरे कैंप को राहत, विधान भवन में मिला कार्यालय, सातवीं मंजिल पर बैठेगा एकनाथ शिंदे का खेमा। हैदराबाद में ओवैसी के सामने बीजेपी नेताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे, बताया देश का गद्दार। अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी एनएसए से मुलाकात की, बायलेटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यू पर हुई चर्चा। चेन्नई के तेल गोदाम और ग्रेटर नोएडा में सौंदर्य सोसाइटी के 27वीं मंजिल के फ्लैट में लगी आग, कई हताहत। बाहर से मैदान तक आफत की बारिश, एमपी, ओडिशा समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात। कश्मीर में बादल फटने से तबाही। बंगाल में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, 1000 करोड़ रुपए में हो रहा तैयार। भगवान कृष्ण विराजेंगे, जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन। रामदेव को हाई कोर्ट की फटकार, कहा लोगों को गुमराह न करें, बाइडेन के कोरोना पॉजिटिव होने को मेडिकल साइंस की नाकामी बताया था। जम्मू कश्मीर में अब बाहर के लोग भी डाल पाएंगे वोट, जुड़ेंगे 25 लाख नए मतदाता, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। लालू से मिलने सीएम नीतीश पहुंचे राबड़ी आवास, बेटी मीसा के साथ आरजेडी सुप्रीमो पहुंचे थे पटना। दिल्ली में कहा था सुशील मोदी झूठे हैं। गंगा चेतावनी बिंदु से 3.5 मीटर दूर, वाराणसी में एक दिन में 3.5 मीटर ऊपर चढ़ गई गंगा, डूब गए आधे घाट। गाजियाबाद के वेस्ट यूपी में बीजेपी नेताओं की नो एंट्री के पोस्टर। श्रीकांत केस में त्यागी समाज की 21 को महापंचायत, 7 राज्यों से आएंगे लोग। अलीगढ़ के रेलवे एसएस पर छेड़छाड़ का केस दर्ज, स्टेशन में तैनात महिला कर्मचारी ने दर्ज कराई थी एफआईआर, 28 जुलाई का है मामला। आतंकी हबीबुल बोला नूपुर को जिंदा रहने का हक नहीं, एटीएस से कहा देश में अपनी हुकूमत बनाएंगे, 5 राज्यों में फैला नेटवर्क। ने
मेरठ में गुंडागर्दी, युवक को सड़क से हॉस्टल तक पीटा, कार खड़ी करने के बाद में विवाद हुआ और पहले लात घूंसों से पीटा, उसके बाद हॉस्टल में खींचकर डंडे बरसा। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का छापा, तीन अन्य व्यापारियों के यहां भी खंगाले जा रहे दस्तावेज, लखनऊ की टीम ने की छापेमारी। पीलीभीत के सीओ सुजी की कार रोडवेज बस से टकराई, अस्पताल में चल रहा इलाज, फरुखाबाद से कुछ दूरी पर हुआ हादसा। वेस्ट यूपी का आतंकी कनेक्शन, कभी आईएसआई एजेंट पकड़े गए तो कभी सेना की छावनी के गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। गाजियाबाद में 40 मिनट के लिए परिवार गया बाहर, चोरों ने दिन दहाड़े घर में रखी नकदी और ज्वेलरी पर किया हादसा। चंदौली में शौचालय से लेकर मनरेगा तक घोटाला, पूर्व प्रधान और सचिव पर 36 लाख के गबन की पुष्टि, टीएम बोले 15 दिन में करेंगे जमा। मऊ में आर्य समाज ने निकाली तिरंगा यात्रा, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतिम दिन झोंकी ताकत, जिले की रोड तिरंगे के रंग में आई नजर। जन्माष्टमी में बुलडोजर पर सवार कान्हा, नटवर नागर, गलत काम करने वालों को देंगे सुधरने का संदेश, आज रात से कल रात तक है अष्टमी तिथि। संत कबीर नगर में पिता पुत्र की गला रेत कर हत्या, खेत में चला रहे थे पानी, सोते समय किया हमला, मौके पर पहुंचे एसपी। बदायूं में कहा सुनी के दौरान दराती से हमला, खाली जगह में पशु बांधने को लेकर पहले हुई गाली गलौज, फिर हाथापाई के बाद मारी दराती। आगरा में चोरी के सीसीटीवी में दिखा जानवरों का प्रेम, पड़ोसी की भैंस ले जा रहे थे चोर, बचाने को पीछे पीछे भागता रहा पड़ोसी का बछड़ा। और सड़क हादसे में युवक की मौत, एक घायल, ट्रैक्टर और बाइक की हुई टक्कर, घायल को इलाज के लिए किया गया रेफर। फरुखाबाद में बघार नाले में मिला युवक का शव, हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका, शरीर पर चोट के निशान भी मिले। हरदोई में दो युवतियों की अजब प्रेम की गजब कहानी, एक शादीशुदा तो दूसरी अविवाहिता, दोनों करना चाहती है शादी। फिरोजाबाद में 11 दिन से हड़ताल पर अधिवक्ता, सर्किल रेट बढ़ाने पर कामकाज ठप, अब तक करीब 2 करोड़ के राजस्व का नुकसान। सोनभद्र के युवक की सड़क हादसे में मौत, ऋषिकेश में बस और बाइक की हुई थी टक्कर, एक अस्पताल में भर्ती, दर्शन करने जा रहे थे। शराब के लिए पत्नी को उतारा मौत के घाट, इटावा में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी को मारी 3 गोलियां, बेटी ने पुलिस को दी सूचना। हाथरस में डीएम और एसपी ने बीमार महिला की मदद की, रास्ते में अपनी गाड़ी रोककर पहुंचाया अस्पताल, हाथरस से मथुरा जा रहे थे दंपत्ति। मथुरा जाने वाली सभी ट्रेनें फुल, जन्माष्टमी पर मथुरा जाने वालों ने ट्रेनों में बढ़ाई भीड़, 1.5 दर्जन ट्रेनों में 2 सीट। आजम पर रामपुर में दूसरा मुकदमा दर्ज, गवाहों को धमकाने में आजम खान सहित रिश्तेदार, भारी वाहन नहीं करेंगे प्रवेश, साथियों पर मुकदमा। अलीगढ़ में भारी वाहन नहीं करेंगे प्रवेश, जन्माष्टमी के चलते अलीगढ़ पुलिस ने 19 अगस्त के लिए लागू किया डायवर्जन, कई रास्तों पर रहेगी नो एंट्री।
गोंडा में करोड़ों की संपत्ति के मालिक के हत्या बेटे को मैसेज कर मांगी थी 11 लाख की फिरौती, नहीं दिया तो मार डाला। मैनपुरी में बुलेरो से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या, एसपी बोले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम की गई गठित, एक महीने से है फरार। आगरा नगर निगम में गाली गलौज करना चालकों को पड़ा भारी, नगरायुक्त ने सार्वजनिक रूप से लगवाई उठक बैठक, लोगों ने बनाया वीडियो। गोंडा में छात्र को बेल्टों से पीटना, चार युवकों ने पहले पेट पीट पर बरसाए डंडे, बाद में पैंट उतरवा कर पैरों पर मारा, छात्र पकड़ता रहा पैर। कारोबारी से 6 लाख की लूट का वीडियो वायरल, प्रयागराज में दुकान में घुसते ही एक ने तान दिगन, दो बदमाशों ने कैश लूटा। उत्तराखंड में हर साल जल जाता है 2700 हेक्टेयर जंगल, जोखिम घटना के लिए तैयार होगा ट्राफिक। उत्तराखंड के देहरादून के मवेशियों पर लंपी बीमारी का हमला, दो दर्जन से अधिक दुधारू हो चुके हैं संक्रमित। उत्तराखंड में रोमांच के शौकीन हो जाएं तैयार, ऋषिकेश में 1 सितंबर से फिर शुरू होगी राफ्टिंग और कैंपिंग। देहरादून से नई दिल्ली का सफर अब बस 2 से 2.5 घंटे में होगा पूरा, निर्माणाधीन सुरंग का काम हुआ पूरा। लांस नायक चंद्रशेखर को राजकीय सम्मान के साथ चित्रशाला घाट पर शहीद को अंतिम सलामी, बेटियों ने दी पिता को मुखाग्नि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कोटद्वार, मशाल जलाकर किया अग्निवीर योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड के देहरादून से दिल्ली जा रही वॉल्वो बस खतौली में दुर्घटनाग्रस्त, कई यात्री हुए घायल। उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे पर धरासू के पास भूस्खलन जारी, उत्तरकाशी का देहरादून और ऋषिकेश से संपर्क टूटा। उत्तराखंड में जल्द पदभार ग्रहण करेंगे पंत, विश्वविद्यालय के नए कुलपति, पहाड़ के लोगों को जैविक खेती के लिए करेंगे प्रेरित। उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले घोटाले और दलाल संस्कृति का देवभूमि से सफाया करेगी भाजपा। नमामि गंगे परियोजना में उत्तराखंड को 118 करोड़ रुपए की सौगात, 6 योजनाओं को दी सैद्धांतिक स्वीकृति। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ हो सकती है हल्की बारिश, एक उत्तराखंड में हरिद्वार के खन्ना नगर गोलीकांड में 10,000 का इनामी भाजपा नेता विष्णु अरोड़ा अंबाला से गिरफ्तार। उत्तराखंड में रेस्क्यू सेंटर रानीबाग और नैनीताल चिड़ियाघर, बाघ तेंदुओं से पैक, अब नए के लिए जगह नहीं। उत्तराखंड में आईटीबीपी वाहन दुर्घटना में बलिदान हुए पिथौरागढ़ के जवान दिनेश सिंह बोहरा का आज पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सलमान रुश्दी आखिर बच कैसे गए, लेखक के बचने की खबर सुनकर हमलावर हैरान, बोला मुझे वो शख्स पसंद नहीं।
पाकिस्तान बनता जा रहा है बनाना रिपब्लिक, अपने ही मुल्क के लिए बोले इमरान, हमारी बर्बरता दुनिया को चौंका दे। इमरान खान के साथ मिलकर सेना के खिलाफ साजिश रच रहा है भारत, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने उगला जहर। एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगे भारत चीन के सैनिक, बेलारूस तजाकिस्तान और मंगोलिया भी होंगे साथ। एक महीने में कोरोना से मौतें 35% बढ़ी, डब्ल्यूएचओ प्रमुख और डॉक्टर पाल ने चेताया। पाक सेना टीटीपी से लड़ने के लिए तैयार नहीं, दोनों के बीच हुई सीक्रेट डील लीक, तहरीके तालिबान की शर्तों के आगे झुकी पाकिस्तानी सेना। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की मस्जिद में बम ब्लास्ट, 20 की मौत 40 घायल, मगरिब की नमाज के दौरान हुआ धमाका। लंदन के सदर्क में यूनियन स्टेशन के पास आग, कई ट्रेन रोकी गई, नजदीकी इमारतें खाली कराई, 70 फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे। सरकार के खिलाफ बोलने पर क्रूरता करता है चीन, राजनीतिक बंदियों एक्टिविस्ट को मानसिक रोगियों के अस्पताल भेजते हैं। जिम्बाब्वे में खसरे ने मचाया कहर, वैक्सीन न लगवाने वाले 157 बच्चों की मौत, 2000 से ज्यादा संक्रमित। मारुति ऑल्टो के 10 आज लॉन्च होगी, 22 सालों में ऑल्टो के 6 मॉडल लॉन्च हुए, ऑल्टो के फैमिली कार बनाने का सफर रहा रोमांचक। अर्थव्यवस्था और कंज्यूमर सेंटीमेंट में सुधार, त्योहारों से पहले ही रिटेल बिक्री प्री कोविड लेवल से 18% ज्यादा। दाम कम होने से आम लोगों तक पहुंचे वियरबेल्स, डिजिटल वॉच और ईयरबड्स जैसे गैजेट की बिक्री 66% बढ़ी, दोगुनी से भी ज्यादा हुई सेल। हॉट 12 लॉन्च, प्राइमरी कैमरा 50 MP का मिलेगा, 6000 mAh की दमदार बैटरी होगी, कीमत 9,499। फ्लिपकार्ट पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना, घटिया प्रेशर कुकर बेचने पर CCPA की कार्रवाई, ग्राहकों को लौटाने होंगे रुपए। एयरटेल लेकर आया 2 नए प्लान, 519 और 779 रुपए वाला प्रीपेड प्लान किया लॉन्च, मिलेगी फ्री कॉलिंग और रोजाना 1.5 GB हाई स्पीड डाटा। अकासा एयर के सीईओ बोले, हम हर दूसरे हफ्ते अपने बेड़े में एक नया विमान जोड़ेंगे, झुंझुनवाला को याद भी किया। बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू, NCLT के समक्ष दिवालिया घोषित करने की याचिका दायर। क्रिप्टो सेवाएं देने वाले बैंकों के लिए मापदंड तय करेगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फंडिंग के खिलाफ उपायों का पालन करने के बाद दिया गया लाइसेंस। क्रिप्टो करेंसी हैकिंग से होने वाला नुकसान, इस साल 7 महीने में 60% बढ़ा, हैकिंग के मामले में उत्तर कोरिया के ग्रुप्स हैकर्स जिम्मेदार। कोहली ने बताया अपनी फिटनेस का राज, कभी वर्कआउट मिस नहीं करते, खाने में रोस्ट शुगर, ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करते हैं। विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले आयरलैंड के केविन और ब्रायन ने संन्यास की घोषणा की, 2011 में बनाया था रिकॉर्ड।
चेन्नई सुपर किंग्स और रविंद्र जडेजा में ब्रेकअप तय, मई से फ्रेंचाइजी के संपर्क में। आयरलैंड की बड़ी जीत, अफगानिस्तान को मात देकर टी20 सीरीज पर किया कब्जा। वसीम जाफर ने चंद्रकांत पंडित को दी बधाई, कहा केकेआर के खिलाड़ी उनकी कोचिंग स्टाइल समझने के लिए देखे चकते इंडिया। आईपीएल जैसी लीग से खिलाड़ियों में बढ़ रही इंजरी, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बोले एशिया कप में खेलने वाली टीम इंडिया संतुलित। विनोद कांबली आर्थिक तंगी से जूझ रहे, 30,000 पेंशन से कर रहे गुजारा, बोले सचिन को सब पता लेकिन उनसे उम्मीद नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया बड़ा ऐलान, मैकलम की जगह केकेआर के हेड कोच होंगे चंद्रकांत पंडित, एमपी को पहली बार रणजी चैंपियन बनाया था। 5 साल में होंगे 777 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, 30 साल बाद भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होंगे 5 टेस्ट, आईपीएल विंडो को भी मिली ग्रीन सिग्नल। रिपोर्टर के बात करने का लहजा समझ नहीं सके शिखर, जवाब में दिया मजेदार रिएक्शन, बोले भाई एक बार फिर पूछना। बायकॉट ट्रेंड पर आर माधवन ने किया रिएक्ट, बोले फिल्म की कहानी और एक्टिंग अच्छी होगी तो सोशल मीडिया ट्रेंड का असर नहीं पड़ता। जैकलीन के वकील बोले चार्जशीट में नाम आना साजिश, कहा इस केस में मेरे क्लाइंट विक्टिम है, एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर खुद को बताया मजबूत। ईशा गुप्ता का ब्राइडल लुक, रेड ब्राइडल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आई ईशा, वीडियो देख फैंस हुए इंप्रेस। कश्मीर फाइल्स के विरोध में अनुराग कश्यप बोले ये ऑस्कर के लिए बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। मधुबाला का रोल प्ले करना चाहती हैं अनन्या पांडे, बोली वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थी, मैंने उनकी सारी फिल्में देखी। कियारा आडवाणी बारिश में भीगते हुए, बॉडीगार्ड ने पकड़ा कियारा के लिए छाता, नाराज लोगों ने पूछा आपके हाथों में क्या हुआ। केबीसी 14 में नजर आएंगे अफसर रूपिन शर्मा, खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम को पकड़ने में निभाई थी अहम भूमिका। सिया का टीजर आउट, न्याय के लिए लड़ती रेप विक्टिम की कहानी है सिया, 16 सितंबर को होगी रिलीज। धोखा, राउंड द कॉर्नर का टीजर आउट, आर माधवन की धोखा का टीजर रिलीज, सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर है फिल्म। शराब के नशे में धुत दिखे राहत फतेह अली खान, चाचा के मैनेजर को कहा नुसरत फतेह अली खान, वीडियो देख भर के फंस। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।